कुछ मॉड्यूल्स पहले हमने डिजास्टर रिकवरी प्लान का जिक्र किया क्लाउड एनवायरनमेंट में, और हमने ये देखा था कि डिजास्टर रिकवरी जो है प्लान एक लाजमी हिस्सा होना चाहिए। अब से ऑनवर्ड हम कुछ मॉड्यूल्स में डिजास्टर रिकवरी डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेरियस थ्रेट्स, यानी बहुत सारे जिसे मसलन जैसे इसमें हम डिस्क फेलियर डिस्कस करेंगे इस मॉड्यूल में, और भी कई थ्रेट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक डिजास्टर है फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द डेटा। तो इनको किस तरह से अवॉइड कर किया जा सकता है ट्रेडिशनल नॉन क्लाउड एनवायरनमेंट में, और फिर हम देखेंगे कि क्लाउड इसमें सिलसिले में क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से हम बारी बारी कुछ जो है वो डिजास्टर्स को डिस्कस करेंगे ताकि हमें ये अंदाजा हो सके कि नॉन क्लाउड एनवायरनमेंट में डिजास्टर होना और क्लाउड जो एनवायरनमेंट है उसमें जो है डिजास्टर की पॉसिबिलिटी या रेमेडीज जो है वो क्या क्या हो सकती हैं। सो शुरू करते हैं। सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग द थ्रेट्स, यानी ये सब टॉपिक है और उसके अंदर है हमारा डिस्क फेलियर्स। डिस्क ड्राइव्स आर इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइसेस विच वियर आउट एंड इवेंचुअली फेल। इसमें जो डिस्क है, हार्ड डिस्क है फॉर एग्जाम्पल, इसमें जो ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क है उसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जो है दोनों जो है इसमें फीचर्स हैं। मैकेनिकली मोटर जो है इसमें एक घूमती है, हम सबको पता है इंट्रो टू कंप्यूटिंग के जो भी इब्तदाई कोर्सेज हैं उनमें सबको ये बात जो है समझाई जाती है स्टूडेंट्स को। तो इसकी कुछ ना कुछ उम्र है, इसने चलना है, चल के इसने कभी ना कभी इसने फेल जरूर होना है। फेलियर कैन बी ड्यू टू डिजास्टर सच एज फायर एंड फ्लड, कैन ऑल्सो बी ड्यू टू थेफ्ट। यानी एक तो पहले पॉइंट में हमने कहा कि एक चीज उम्र पूरी कर गई अपनी, उसकी मैकेनिकली ही वो फेल हो गई है। इसके अलावा जो फेलियर हैं वो किस तरह से आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल डिफरेंट नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते हैं, जैसे फायर है, फ्लड है, स्टॉर्म्स आ सकते हैं, फिर जो चोरी हो सकती है हार्ड डिस्क। सो इस तरह से जो है डेटा लॉस जो है वो पॉसिबिलिटी है। ऑल मैकेनिकल डिवाइसेज हैव मीन टाइम बिटवीन फेलियर MTBF, ये मैन्युफैक्चर की तरफ से जो है एक टाइम प्रोवाइड किया जाता है जी, इतने टाइम तक कम से कम जो है ना ये एक जो हार्ड डिस्क है फॉर एग्जांपल ये काम करेगी इतने घंटे तक। लेकिन द MBTF वैल्यूज गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर आर यूजुअली जेनेरिक वैल्यू कैलकुलेटेड फॉर अ सेट ऑफ डिवाइसेस, यानी एक मखसूस एनवायरमेंट में कुछ एक सेट ऑफ डिवाइसेस के लिए वो किया जाता है ये टेस्ट कि एक डिवाइस जो है इनमें से एक सेट ऑफ डिवाइसेस में से मसलन 100 डिवाइसेस हैं उसमें से एक डिवाइस कितनी देर के बाद फेल होती है। जरूरी इतनी है कि जो आप डिवाइस यूज कर रहे हैं, हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं, वो टेस्ट उसके लिए भी परफॉर्म किया गया हो या वो भी उस टेस्ट का पार्ट हो। ये एक जेनेरिक वैल्यू हो सकती है जो कि जिसके ऊपर कि अगर आप रिलाय करके या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या यूजर रिलाय करे कि जी फॉर एग्जाम्पल इसके 5000 घंटे के बाद ये जो है डिस्क फेल होगी, सो जरूरी नहीं है कि वो 5000 घंटे वो पूरे करें, उससे पहले भी वो फेल हो सकती है, उससे बाद भी वो फेल हो सकती है। सो डोंट rely upon MTBF. Therefore, instead of relying upon the MTBF, there must be a disaster recovery plan for the disk failure. तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि हम ये समझें कि कभी भी एक जो है डिस्क का जो है फेलियर हो सकता है, सो उससे सिलसिले में कोई ना कोई डिजास्टर रिकवरी प्लान ऑब्वियसली होना चाहिए। द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज कैन बी यूटिलाइज, और ये इस्तेमाल हो रही हैं ये जो स्ट्रेटेजीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली है ट्रेडिशनल अप्रोच, इट इज़ टू हैव बैकअप ऑन सेपरेट स्टोरेज, बैकअप ले लें सेपरेट स्टोरेज पे, अगर डिस्क फेल हुई है उस सेपरेट स्टोरेज से आप जो है डेटा रिकवर कर लें। द डेटा कैन बी रिकवर्ड ऑन अ न्यू डिस्क फ्रॉम द बैकअप, बट इफ द बैकअप इज ऑल्सो डिस्ट्रॉयड और स्टोलन देन देर इज अ कम्प्लीट लॉस ऑफ डेटा। बैकअप ही अगर डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्क तो डिस्ट्रॉय हुई, बैकअप भी डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्क चोरी हुई, बैकअप भी चोरी हो गया, डेटा लॉस। Also, the recovery process is time consuming. For example, अगर tape storage है उसके ऊपर आप backup रखा हुआ है आपने, अब उस backup से आपने data recover करना है, तो tape की तो already speed काफ़ी कम होती है, so it will take quite a lot of time अगर data बहुत ज़्यादा है for example. Second approach जो है वो है redundant array of independent disks की RAID, RAID. इसमें क्या होता है कि multiple hard disks हैं, उन hard disks को एक RAID system के through control किया जाता है। Ordinary hard disks हो सकती हैं, inexpensive, और इसके ऊपर डेटा जो है वो रेप्लिकेट किया जाता है, डेटा की मल्टीपल कॉपीज रखी जाती हैं और वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी एक ही डेटा स्मॉल पार्ट्स में जो है मल्टीपल डिस्क के ऊपर जो है वो पड़ा होता है,
अब इस केस में अगर एक डिस्क फेल हो भी जाती है तो उसका जो असर कोई भी नहीं पड़ता है, कोई सिस्टम डाउन नहीं होता है, जस्ट जो स्टाफ है वो नई डिस्क जो है वो लगा दे उसके अंदर, तो जो रेड का सिस्टम है ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर इसको कंट्रोल कर रहा है वो बाकी जो डिस्क हैं उनसे वो डेटा है वो कॉपी कर देता है इसके ऊपर और डेटा जो है ओवरऑल वो लॉस नहीं होता है। ताहम इसमें जो बैकअप की जो सहूलत है, बैकअप की जो रिक्वायरमेंट है या फीचर है अपना, वो हम ये नहीं कह सकते कि ये बैकअप का इक्वलेंट है। क्यों? क्योंकि अगर ये रेड ही चोरी हो गया फॉर एग्जांपल, या ये सारे का सारा रेड जो है ये जो सिस्टम है ये डिस्ट्रॉय हो गया, या जो है किसी भी वजह से ये अनअवेलेबल हो गया, सारा डेटा लॉस हो सकता है। सो बैकअप बहरहाल इस कम्प्लेक्स सिस्टम के साथ बैकअप भी जो है वो लगाना जो है वो जरूरी हो जाता है। इसे आगे देखें तो क्लाउड हमें क्या जो है चीज प्रोवाइड करता है, क्लाउड बेस्ड डेटा स्टोरेज एंड बैकअप। अगर हम क्लाउड पे जो है डेटा रखें और बैकअप रखें, क्लाउड नॉट ओनली प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी ऑफ डेटा एक्सेस ओवर द इंटरनेट, यानी कहीं से भी हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट पे, लेकिन इसके साथ साथ एनहांस डेटा रेप्लिकेशन भी परफॉर्म की जाती है, यानी डेटा जो है वो एक जो साथ साथ में रेप्लिकेट भी होता रहता है। और ये कभी जो रेप्लिकेशन है वो प्रोवाइडर्स बाय डिफॉल्ट ही प्रोवाइड करते हैं डेटा की जो है उसकी अवेलेबिलिटी शोर करने के लिए, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और इस वजह से कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लेते हैं क्लाउड। तो इस तरह से ये फायदा भी है कि डेटा रेप्लिकेट भी हो रहा है खुद ही और जो है वो इंटरनेट पे एक्सेस भी हो रहा है कहीं से भी। द क्लाउड बेस्ड बैकअप इज स्टोर्ड एट अ रिमोट साइट, सो इट इज एन एक्स्ट्रा एडवांटेज एज कम्पेयर टू ऑन साइट बैकअप रिप्लेसमेंट। बैकअप भी रखना है अगर क्लाउड पे आपने, आप अपना जो डेटा है वो अपनी मेन साइट पे ऑन प्रेमिसेस आप रख लें, बैकअप आप क्लाउड पे रख लें, आपके ऑन प्रेमिसेस डिस्क जो है वो खराब हो सकती है, जो रिमोटली डेटा का बैकअप पड़ा हुआ है क्लाउड के ऊपर वो बहुत कम चांसेस हैं कि वो उसके साथ वो उसी इंस्टेंस में या उसी टाइम पे वो भी डिस्ट्रॉय हो जाए। सो क्लाउड एक तरह से आपको जो है वो एक्स्ट्रा जो एडवांटेज है वो प्रोवाइड कर रहा है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल अप्रोच या रेड की अप्रोच के, क्लाउड आपको ज्यादा इजी वे प्रोवाइड कर रहा है डिस्क फेलियर से बचने का। द क्लाउड बेस्ड बैकअप इज रेडली अवेलेबल, ये अगला इसका फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर है कि वो फौरी तौर पर अवेलेबल होता है जो क्लाउड बेस्ड बैकअप है, और जो डाउन टाइम है वो काफ़ी से बच जाते हैं अगर हम कंपेयर करें जो ट्रेडिशनल जो टेप स्टोरेज बेस्ड बैकअप हैं जो स्टोर किए जाते हैं उनके मुकाबले में। क्लाउड बेस्ड बैकअप जो है वो रेडिली फौरन अवेलेबल है, वो कोई आपको टेप जो है वो चला के कोई उसमें जो है वो किसी खास जो है डेटा से आपको शुरू नहीं करना पड़ेगा बैकअप, ये जो ऑटोमेटेड वे से जो है बैकअप मैनेजमेंट की जाती है क्लाउड के ऊपर, इसको यूज़ करते हुए फौरी तौर पर जो जैसे ही फेलियर हुआ है फॉर एग्जाम्पल आपके लोकल प्रेमिसेस पे डिस्क फेल हुई है, रिमोटली जो है फॉरेन बैकअप से आप जो है फौरी तौर पे बैकअप स्टार्ट कर सकते हैं। सो इस तरह से क्लाउड जो है वो डिस्क फेलियर के सिलसिले में जो है अच्छी रेमेडी प्रोवाइड करता है ट्रेडिशनल और रेड अप्रोच के जो है कंपैरिजन में।